Janama janama mohe di jiyo Shri Vrindavan vas Shri Vrindavan vas Radha tu bad bhagini kaun tapasya kin tino lok ke nath hai So tero adhin, so tero adhin. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari 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 Jaya Radha Madhava कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जनवल्लभ गिरिवर धारी गोपी जनवल्लभ गिरिवर धारी आ गोपी जनवल्लभ गिरिवर धारी गोपी जनवल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदान यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी मेरो राधा रमण गिरिधारी गिरिधारी श्याम बनवारी मेरो धारमण गिरिधार गिरिधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरिधारी मेरो राधा रमण गिरिधारी मेरो राधा रमण गिरिधारी मेरो राधा रमण
मेरो राधा रमण गिरिधारी गिरिधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरिधारी श्याम बनवारी गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा गाइए कृष्णा कृष्णा भाव से हरे हरे ओ हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे
Krishna Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Radha Shyam Sundar Radha Shyam Sundar Radha Shyam Sundar Radhe Shyam Sundar Radha Shyam Sundar Shyam Sundar Radhe Jagannath Jagannath Baladev Jay Shubhadra Jagannath Jagannath Raghupati Raghav Raja Ram Patita Pavan Sita Ram Raghupati Raghav Raja Ram Patita Pavan Sita Ram Raja Ram Raja Ram Patit Pavan Sita Ram Raja Ram Raja Ram Patit Pavan Sita Ram Bolo Raghupati Raghav Raja Ram Patit Pavan Sita Ram Raja Ram Patita Pavan Sita Ram Haan Gauranitai Jai Gauranitai Gauranitai Jai Gauranitai Gauranitai Jai Gauranitai Jai Shish Gauranitai Gauranitai Jai Gauranitai Prabhupada Prabhupada, Prabhupada, Srila Prabhupada, 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 Srila Prabhupada, Jaya, Jaya, Prabhupada, 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 Jaya, Jaya, Prabhupada. Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Gaura Hari Bol Yugadharma Hari Naam Sankirtan Ki Jai Granth Raj Shrimad Bhagvatam Mahapuran Ki Jai Shri Prabhupada ki Nitai Gaur Premanande Hari Hari Bol Aradhyo Bhagavan Brajesh Tanaya Tad dhāma vrindāvana
वृंदावन रम्या काचिदुपासना ब्रज बधो वर्गेणया कल्पिता श्रीमद्भागवतम प्रमाणममलम प्रेमापुमल्तो महान श्रीचैतन्य महाप्रभो मत्मिदं तत्रादरो नः पर वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीतांबर दरुण बिंब फल दरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा अरविंद नेत्रा कृष्णा परम किमपि तत्व अहम न जाने करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्र स्यपुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिहवे पिबत्स्वा अमृतमेत देव गोविंद दामो धर्माधवेति ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ओम विष्णुपादाय बोलिए कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नाम नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी
प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे पाश्चात्य देश तारिणे जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की परम सौभाग्य थाईलैंड की इस धरती पर इस्कॉन पटाया में श्रीमद् भागवत कथा हम सब श्रवण करने जा रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस्कॉन पटाया के प्रेसिडेंट श्री धर्मराज प्रभु का, जिन्होंने बहुत सुंदर जगन्नाथ रथ यात्रा महासंकीर्तन एवं भागवत कथा का यह सुंदर आयोजन किया। साथ ही साथ मायापुर से आए हुए कीर्तन करने वाले सभी भक्तों का हम स्वागत एवं धन्यवाद करते हैं। इस्कॉन के वरिष्ठ भक्तगण, ब्रह्मचारी सन्यासी आदियों का स्वागत करते हैं। अमेरिका से आए हुए योगेश भाई और उनकी धर्म पत्नी का स्वागत करते हैं। और हमारे थाईलैंड की प्रिय जनता, आप सभी भक्तों का हृदय से स्वागत करते हैं। अब पीछे प्रसाद बन रहा है और यहाँ मुझे कथा करने के लिए बिठाया है। मेरा ध्यान भागवत में कम और प्रसाद में ज्यादा है, तो हवी जी जरा उसको शांत कर दीजिए। आहा, भगवान की बड़ी कृपा है, वे हमें सेवा में भगवत कथा कीर्तन में लगाए रखते हैं। यद्यपि हमारी कोई योग्यता नहीं है, हमारी कोई लायकात नहीं है कि हम भागवत के विषय में कुछ बोलें, कुछ टिप्पणी करें, बस एकमात्र श्रील प्रभुपाद और आचार्यों की लेखनी हमारा सहारा है, जिसे पढ़कर समझकर देश विदेश में भागवत गाने का बोलने का प्रयास करते हैं। अभी अभी लगभग एक महीने तक हम ऑस्ट्रेलिया में थे,
पर्थ में कथा हुई, सिडनी में हुई, और परसों ऑस्ट्रेलिया गोल्ड कोस्ट में 240वीं भागवत कथा का विराम हुआ, और आज यहाँ इस्कॉन पटाया में 241वीं भागवत कथा प्रारंभ होने जा रही है। वैसे बहुत सुंदर पर्व चल रहा है, ये जो महीना है गीता जयंती का महीना है। इस महीने में भगवान श्री कृष्ण ने पूरे मानव समुदाय का उद्धार करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता का सुंदर ज्ञान प्रदान इसी महीने में किया था। अतः यह महीना गीता जयंती के नाम से मनाया जाता है। श्रील प्रभुपाद की कृपा से इस महीने में लाखों लोग भगवद गीता के कृपा पात्र बनते हैं, लाखों करोड़ों लोगों को भगवद गीता का ज्ञान प्राप्त होता है। तो गीता जयंती के ऊपर गत कथा हुई, भगवद गीता आदि मध्य और अंत। जब हम ऑस्ट्रेलिया से निकले तो धर्मराज प्रभु का मैंने मैसेज पढ़ा कि प्रभु इस बार जब आप इस्कॉन पटाया में कथा करने आ रहे हो तो आप नरक की कथा सुनाइएगा। और धर्मराज प्रभु का मानना यह है कि लाल गोविंद प्रभु नरक की कथा बहुत अच्छी करते हैं, और क्यों न हो, जो आदमी अपनी आंखों से देख कर आया है वो अच्छे से कर ही सकता है। यह जीव अनेकों बार नरक में जा चुका है, हम अनेकों बार नरक की यातना भोग चुके हैं। कुछ लोग भूल गए हैं तो कुछ लोगों को याद है। तो मुझे क्या है ना, मैं बहुत बार नरक जा चुका हूं इसलिए कभी कभी याद आ जाती है। इसलिए भक्तों का मानना है कि आप नरक की कथा अच्छी करते हैं। खैर, तो आपकी क्या इच्छा है? हैं? जो प्रभु की इच्छा है। और स्वाभाविक है कि नरक लोक के देवता, नरक लोक के बादशाह धर्मराज हैं। नरक के जो स्वामी है उसका नाम है धर्मराज, जिसे यमराज भी कहते हैं। और ये एक तो ये पृथ्वी, पृथ्वी में एशिया, एशिया में थाईलैंड, और थाईलैंड में भी पतिया नरक से कम नहीं है, और इस पतिया के स्वामी धर्मराज प्रभु है। मतलब ये सब मेल हो रहा है, प्रास हो रहा है ना, सेटिंग हो रहा है। तो क्यों ना धर्मराज प्रभु का जो निवेदन है, आवेदन है, इसे हम स्वीकार करें और श्रीमद् भागवत के माध्यम से, सुखदेव जी के मुख से और प्रभुपाद की लेखनी से नरक क्या है, नरक क्यों है, इसे समझने का हम प्रयास करें। जैसे मैंने आपको कहा कि मेरे द्वारा, लाल गोविंद दास के द्वारा भागवत के ऊपर कुछ बोलना और उसमें नरक के बारे में कहना, नरोत्तम दास ठाकुर की भाषा में कहूं तो वामन हैया चांद धरिते इच्छा करे। जैसे कोई कोई हाइट में छोटा है, जैसे कोई कद में छोटा है और हाइट में छोटा आदमी चांद को पकड़ना चाहे है, तो ये तो कठिन मुश्किल है।
तो मेरे जैसा आदमी भागवत को समझना और भागवत को समझाना चाहे तो ये कठिन है, ये मुश्किल है। तथापि फिर भी मन में लोभ होता है और आप सबके प्रेम से भागवत बोलने का हम साहस कर लेते हैं। बाकी ये हमारा काम है भागवत बोलना। श्रीमद् भागवत परमहंसों का ग्रंथ है, भागवत परमहंस संहिता है, और हमारे जैसे काम वासना के कीड़े भागवत क्या समझेंगे, क्या समझाएंगे। परंतु गुरुदेव की आज्ञा, ईश्वर की कृपा और सबसे ज्यादा आप लोगों का प्रेम जो हमें भागवत बोलने के लिए मजबूर कर देता है। सो इस थाईलैंड में तो 2012 से भागवत कथा हम गा रहे हैं, पिछले 7 वर्षों से कथा कर रहे हैं और आप सभी भक्त कथा सुनते आए हैं। पुनः एक बार श्रीमद् भागवत का हम सब गान करें। श्रीमद् भागवत जो साक्षात भगवान ही है। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में हमारे देश के ऋषि मुनियों ने 6 प्रश्न पूछे। ये 6 प्रश्न और कुछ नहीं, भागवत का फाउंडेशन है। यदि किसी को पूछा जाए कि भागवत रूपी इमारत किस पर खड़ी है, ये भागवत रूपी इमारत 6 पिलर पर खड़ी है, और ये 6 पिलर ऋषि मुनियों के द्वारा पूछे गए 6 प्रश्न है। बहुत सुंदर प्रश्न, आप कभी सुनिएगा, हम कभी सुनेंगे। लेकिन इन 6 प्रश्नों में अंतिम प्रश्न था कि अखिल ब्रह्मांड नायक स्वयं धर्म भगवान कृष्ण जब इस संसार को छोड़कर चले गए तो धर्मम कह शरणम गत, तो धर्म कहां गया, धर्म किसकी शरण में गया। जब कृष्ण धरती पर थे, जब कृष्ण इस संसार में थे, तो कृष्ण के द्वारा बोली गई गीता, कृष्ण का आचरण, कृष्ण का आदेश ये सुनकर समझकर लोग धर्म का आचरण करते थे। परंतु 128.5 वर्ष के बाद जब कृष्ण इस संसार को छोड़कर वैकुंठ चले गए तो धर्म किसकी शरण में गया। समझ रहे प्रश्न, अर्थात कृष्ण जब इस संसार में प्रकट रूप से नहीं रहे और हमें यदि जानना है कि धर्म क्या है, धर्म कैसा होता है, हम कितने धार्मिक हैं, वो कैसे पता चले। क्योंकि दुनिया के लोग तो हमारी बड़ी प्रशंसा करते हैं कि आप तो सीनियर डिवोटी हैं, आप तो बस पहुंच गए हैं, आपकी तो बस आपने तो हद कर दी है। ये तो परमात्मा ही जानते हैं कि हम केवल प्रसाद की प्लेट पर हद करते हैं और कुछ नहीं करते। लेकिन दुनिया के लोग तो कहेंगे और हम अपने आप को महान विशेष भक्त मानेंगे, लेकिन इसको यदि जांचना है और कृष्ण जब यहां पर नहीं है तो हम कैसे जाने। तब सूत जी ने बहुत सुंदर बात बताई, कृष्ण स्वधाम उपगते धर्म ज्ञान आदि भी सह। जब भगवान कृष्ण धर्म ज्ञान आदि सब को लेकर अपने धाम वैकुंठ में वापस चले गए, सोमवंश चंद्रवंश में जन्म लेने वाले सूर्य चंद्रमा का जब अस्त हो गया, जिसे चंद्रमा अस्त होता है तो सूर्य उदय होता है ना, तो चंद्रवंश में जन्म लेने वाले कृष्ण चंद्र का जब अस्त हो गया तो भागवत रूपी सूर्य उदय हो गया। पुराणा अर्क अधुनोदितः, कृष्ण गए तो कृष्ण के बदले भागवत प्रकट हुआ। कृष्ण की अनुपस्थिति में यदि हमें जानना हो कि हम कितने धार्मिक हैं, हमें कैसे धर्म या भजन करना चाहिए, हम भागवत से समझ सकते हैं। और ज्यादा तो क्या कहूं,
ये भागवत और कुछ नहीं, ये भागवत साक्षात भगवान है। श्रील प्रभुपाद अक्सर कहते थे, देयर इज नो डिफरेंट बिटवीन भगवान एंड भागवत, कृष्ण एंड कृष्ण कथा में कोई अंतर नहीं है। और इसीलिए कली पावन अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु 525 वर्ष पूर्व जब इस धरती पर प्रकट हुए, दाल बन रही है, कब खिलाओगे? कोई बात नहीं, आज प्रथम दिन है, कल से जरा टाइम चेंज कर दीजिएगा, ये है? आज कोई बात नहीं, आज कर लेते हैं। क्या कह रहा था? मेरी भूलने की बीमारी बढ़ गई है, आप मुझे याद कराते रहिएगा। क्या कह रहा था? कुछ सुन रहे हो कि केवल देख ही रहे हो? यस, वेरी गुड, जय हरि बोल। श्री चैतन्य महाप्रभु 525 वर्ष पूर्व चैतन्य महाप्रभु इस कलयुग में प्रकट हुए, और महाप्रभु ने अपने अंतिम दिनों में जगन्नाथपुरी में रहकर कृष्ण के प्रति जो विरह था वो विरह प्रकट हुआ। श्री चैतन्य महाप्रभु की बड़ी दारुण स्थिति हुआ करती थी। गंभीरा में श्री चैतन्य महाप्रभु रहते थे, पातला पर्वत को देखकर महाप्रभु को गोवर्धन की याद आती थी, नीले समुद्र को देखकर उसे यमुना समझ बैठते थे, और महाप्रभु कंट्रोल से आउट हो जाते थे। उन अंतिम दिनों में महाप्रभु को कृष्ण का बड़ा विरह सताता था, कृष्ण कहां मिलेंगे, कहां जाऊं, कहां पाऊं ब्रजेंद्र नंदन, मुझे श्याम सुंदर कब मिलेंगे, मुझे कहां मिलेंगे। जब श्याम सुंदर का बड़ा विरह होता था और कृष्ण का दर्शन नहीं होता था, तो महाप्रभु अपना मस्तक उस गंभीरा की दीवालों के साथ पटकने लगते थे। महाप्रभु अपने हाथों पर चक्कू मारकर, उंगली काटकर कृष्ण का को पत्र लिखने लगते थे। दीवार गंभीरा की दीवालों के साथ महाप्रभु अपना चेहरा रगड़ते थे और उस चिन्मय देह से खून की धारा बहने लगती थी, और उस समय चैतन्य महाप्रभु को संभालने के लिए स्वरूप दामोदर और राय रामानंद उनको पकड़ लेते थे। और कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत में लिखा है कि उस समय रामानंद राय और स्वरूप दामोदर चैतन्य महाप्रभु को भागवत सुनाते थे, और भागवत सुनकर चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण का विरह कम होता था, भागवत सुनकर चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण की अनुभूति होने लगती थी। क्योंकि श्रील प्रभुपाद कहते हैं, कृष्ण में और भागवत में कोई अंतर नहीं है। आज हम भी यहां पर बैठकर ध्यान से भागवत सुने तो मानो ऐसा एहसास हो कि हम भगवान के गोद में बैठे हैं, लेकिन ध्यान से सोते हुए नहीं, क्योंकि मुझे पता है आप लोग कितनी खिचड़ी खाकर बैठे हो। आप लोग खिचड़ी खाकर बैठे हो और मैं भूखा पेट बोल रहा हूं, लेकिन कोई बात नहीं, यहां तो कोई नहीं सो रहा है। एक बार क्या हुआ ना, ऐसा ही एक पंडाल था। अब जिसको कथा नहीं सुननी होती ना, वो पीछे बैठता है। खैर यहां तो योगेश भाई को सुननी है, लेकिन जो कथा नहीं, अब जिसको कथा में सुनना नहीं, वो पीछे बैठते हैं और आगे किसी को ऐसे ढक कर सो जाते हैं ताकि वक्ता उसे देख ना सके। तो देखो, मैं आपको एक सत्य बात बताऊं, ऐसी ही एक कथा हो रही थी और एक आदमी आया, उसको फोर्स किया था कि भाई आप आइए और कथा सुनिए। ऐसा नहीं है कि सब लोग प्रेम से कथा सुनते हैं। क्या यहां सब लोग शुद्ध भक्त बन गए? नहीं,
कुछ लोग तो डर के मारे आए हैं कि नहीं जाएंगे तो धर्मराज हमको डांटेगा, ये हमारे फेस्टिवल में नहीं आएगा तो। और कुछ लोग इसलिए आए हैं कि भाई चलो जाएंगे, दो तीन घंटा सुनेंगे, मुफ्त में प्रसाद मिल जाएगा, घर पे बनाने की झंझट खत्म। देखो प्रभु जी कितने समझदार आगे आ गए ऊपर से नीचे आ गए। खैर, तो ऐसी ही एक कथा चल रही थी, और जिसको कथा नहीं सुननी होती वो पीछे बैठता है, और पीछे भी ये जो पिलर है ना, इसमें तीन चार पिलर है ना, ये पिलर उसका सहारा लेकर बैठते हैं, टेका लेकर ऐसे बैठते हैं। अब जिसको कथा ही नहीं सुननी उसको तो सोना, और यहां कथा शुरू होती है और वहां उसका सोना शुरू होता है। हमारे इस्कॉन में दो मंत्र फेमस हैं, एक मंत्र जिसको किसी को भी सुलाया जाए, और दूसरा मंत्र कोई कितना भी सोया हुआ हो उसको जगाया जाए। आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलो, वहां सोना शुरू हो जाता है, और कितनी भी गहरी नींद में सोया हो महाप्रसादे गोविंदे बोलो तो ऐसे जंप मार के खड़ा हो जाएगा। ये दो बड़े फेमस मंत्र हैं हमारे इस्कॉन के। तो एक आदमी कथा में आया, और ये जो पिलर आप देख लीजिए पहले तो समझ में आएगा, जो पिलर है ना वो लास्ट पिलर का टेका लेकर बैठा था, और यहां कथा शुरू हुई और उसको नींद आ गई। खैर यहां तो लास्ट पिलर खाली है मतलब, लेकिन कोई वहां बैठा था, कथा शुरू हुई नींद आई। कुछ लोग को आप जानते हैं सोते सोते मुंह खुला रखने की आदत होती है, ऐसे सोते हैं ना, कुछ लोग सोते हैं मुंह से श्वास लेते हैं। ये पिलर का टेका सहारा लेकर सो गया, मुंह खुला था। अब आप सब समझदार, आपको क्या बताऊं, हमारे देश में कुत्ते घूमते रहते हैं, और वो कुत्ते गाड़ी का टायर और पिलर ही खोजते हैं, और उस कुत्ते को वही पिलर मिला जहां पर ये सोया था। अब आगे मैं कुछ नहीं बोलूंगा, समझ आ गया, सब समझ आ गया आपको, सब समझ में आ गया, आप सब समझदार हैं। लेकिन कथा समाप्त होने के बाद सभी श्रोता बड़े आनंद में थे, खुश थे कि आज तो लाल गोविंद प्रभु के मुख से अमृत बह रहा था, अमृत निकल रहा था, आज तो अमृत का पान किया। वो जो लास्ट पिलर पर बैठा था ना, वो बोला अमृत तो मैंने भी पिया लेकिन थोड़ा सॉल्टी था, थोड़ा खारा ये इंग्लिश में नहीं होगा। खैर मैं ये कहता हूं, यदि भागवत को ध्यान से सुना जाए, भाव से सुना जाए, बिना सोए भागवत को सुना जाए, तो मानो ऐसा ही एहसास होता है कि हम भगवान के गोद में बैठे हैं। ऐसे पवित्र भागवत को आज हम सब श्रवण करने के लिए आए हैं, और आजकल हम कथा कर रहे हैं तो किसी विशेष सब्जेक्ट के ऊपर कथा कर रहे हैं। इस बार मेरे मन में हो रहा है कि श्रीमद् भागवत 241वीं जो कथा है, इस कथा का हम शीर्षक रखें जीव की नरक यात्रा, ठीक रहेगा प्रभु? वैसे सफरिंग ऑफ सोल भी कर सकते हैं लेकिन ये फिर कभी करेंगे, लेकिन एक जीव की नरक यात्रा, इसे हम जानेंगे कि नरक की यात्रा कैसी होती है, और साथ ही साथ हम रोज ये भी जानेंगे कि उस नरक की यात्रा से बचने के लिए क्या करना चाहिए, ठीक है? ये 5 दिन की कथा होगी, 5 दिन की कथा में 2-2 सेशन होंगे, 2-3 घंटे की कथा होगी, 1.5 घंटा कथा करेंगे और फिर थोड़ा सा नाचना गाना है? थोड़ा ब्रेक भी हो जाएगा, पानी पीना है पानी पियो, फ्रेश हो जाओ, नाच लो गा लो, थोड़ा पांव भी आपको दर्द कर रहा है वो भी ठीक हो जाएगा, और फिर से दूसरे सेशन में हम कथा करेंगे। तो रोज दो, तो प्रथम सेशन जो होगा उसमें हम जीव की नरक यात्रा के बारे में सुनेंगे कि नरक में क्या यातना है, नरक में क्या होता है,
और जो दूसरा पार्ट है उसमें हम नरक से मुक्त होने का उपाय देखेंगे। तो आइए श्रीमद् भागवत के पांचवें स्कंध में सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को नरक की कथा सुनाते हैं। प्रसंग इस प्रकार का है, सुखदेव गोस्वामी लोक लोकांतर का वर्णन करते हुए शिशुमार चक्र का वर्णन किए, स्वर्ग लोक का वर्णन किए, पाताल लोक का वर्णन किए, अनेक अनेक लोक लोकांतर का वर्णन करते हुए बड़े संक्षिप्त में नरक लोक के बारे में बता दिए। मुझे ऐसा लगता है कि सुखदेव का मूड नहीं था नरक के बारे में बताने का, इसलिए मात्र एक श्लोक में सुखदेव गोस्वामी ने कह दिया कि जैसे सूर्य लोक हैं, चंद्र लोक हैं, पाताल लोक हैं, पृथ्वी तल वितल अतल तलातल ये सब लोक हैं, वैसा ही एक लोक है नरक लोक। तो बस संक्षिप्त में इतना कह दिया कि नरक लोक है। और सुखदेव जी कुछ आगे बोलने जाए उसके पहले महाराज परीक्षित सुखदेव जी से कहते हैं कि रुकिए रुकिए महाराज रुकिए, आपने नरक के बारे में बड़ा संक्षिप्त में कह दिया। सुखदेव जी नरक के बारे में मैं विस्तार से सुनना चाहता हूं। श्री राजो आच, महाराज परीक्षित कहते हैं नरक का नाम भगवान किम देश विशेषा अथवा बहिस्त्री लोकिया आहोस्वित अंतरालम इति। भागवत का पांचवा स्कंध है और पांचवे स्कंध में आधा जो स्कंध है वो गद्य में है। वैसे 90% भागवत पद्य में, पद्य माने पोयम कविता, 90-95% भागवत सुखदेव जी ने गाते हुए, जैसे कोई सॉन्ग गाता है, गाते हुए सुनाया। लेकिन पांचवें स्कंद के भागवत के कुछ अध्याय हैं जहां सुखदेव ने गाया नहीं, सुखदेव ने कहा बोले। अब नरक गाने जैसा है भी नहीं है, ये नरक की जो चीजें हैं बंदा कैसे गाएगा। तो सुखदेव जी ने बोलते हुए नरक का वर्णन किया और परीक्षित ने बोलते हुए प्रश्न पूछा। महाराज परीक्षित कहते हैं नरका नाम भगवन किम देश विशेषा। सर्वप्रथम सुखदेव गोस्वामी को भगवान संबोधन दे रहे हैं परीक्षित महाराज, सुखदेव जी को भगवान कह रहे हैं भगवान। यद्यपि भगवान शब्द केवल कृष्ण के लिए रिजर्व्ड है, क्योंकि भगवान उसे कहते हैं जिसमें छह भग, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रेय ज्ञान वैराग्यश्चैव शशणां भग इति गणा, ये छह ऐश्वर्य आप सब जानते हैं, आपने बहुत कथा सुन रखी है। कुछ लोग तो मैं बोलूं उनके पहले बोल देते हैं कि अब ये बोलने वाला है। लेकिन जिस व्यक्ति में ये छह गुण परिपूर्ण मात्रा में, सुंदरता, बल, ज्ञान, यश, वैराग्य, धन, ये कंप्लीटली परिपूर्ण जिसमें हो वो भगवान हो सकते हैं, और ऐसे एकमात्र कृष्ण है। तो फिर सुखदेव जी को यहां पर भगवान क्यों कह रहे हैं? परीक्षित महाराज ने सुखदेव को क्या कहा? नरका नाम भगवान है भगवंत। हमारे देश में एक भगवान है जिसमें छह ऐश्वर्य होते हैं, वो अलग है। लेकिन हमारे देश में या शास्त्रों में, वेदों में किसी को रिस्पेक्ट देने के लिए भगवान शब्द इस्तेमाल किया जाता है।
इसलिए परीक्षित महाराज सुखदेव को एज ए रिस्पेक्ट आदर के साथ भगवान कह रहे हैं। इससे हमें क्या सीखना है? प्रैक्टिकल नॉलेज कि जो भी हमें प्रवचन सुना रहा है, जो भी हमें कथा सुना रहा है या जो भी हमको ज्ञान दे रहा है, उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनको आदर देना चाहिए। यह हमारे देश की परंपरा है। जैसे आज मैं यहां पर आया तो आप लोगों ने मुझे कितना रिस्पेक्ट दिया, नहीं तो सभी मायने में आप लोग मुझसे महान हो। एक तो उम्र में बड़े हो, लगभग यहां पर जितने भी हैं मेरे से उम्र में बड़े हैं, भक्ति में बड़े हैं, और सेवा तो आप इतनी करते हो, लेकिन फिर भी हमारा देश एक 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 संस्कार, एक एक परंपरा है कि जिससे हम कुछ सुनते हैं उनका आदर करें। इसलिए आपसे 2-5 फुट मुझे ऊपर बिठाया गया है, रिस्पेक्ट आदर के लिए। भगवद गीता में कृष्ण ने अर्जुन को क्या कहा? अर्जुन तद्विद्वि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। प्रणिपातेन, अर्जुन नम्र होकर, हम्बल बनकर जब किसी तत्वदर्शी के पास जाओगे तब ज्ञान मिलेगा, तब तब नॉलेज मिलेगा। जब रावण को राम ने मार दिया है ना, एक साथ 31 बाण मारे, 20 भुजा, 20 मस्तक और 31वां नाभि, और रावण गिरा। राम ने लखन को भेजा, लक्ष्मण जाओ, जो भी है रावण ज्ञानी है उसे ज्ञान लेकर आओ। लक्ष्मण ने कहा भैया छोड़ो ना, ये पापी से ज्ञान लेना है? नहीं 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 अनुज, लखन ये ज्ञानी, उसे ज्ञान लेकर आओ। लक्ष्मण गए रावण के मस्तक के पास खड़े, रावण ने अपना मस्तक फेर लिया। लक्ष्मण दौड़ते हुए आए, भैया भैया रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया, इतना अभिमान, मुझे देखकर मुंह फेर लिया, मैंने उनसे ज्ञान मांगा नहीं दिया। तब राम ने कहा लखन तुम कैसे गए? बोले मैं सीधा गया, उसके मस्तक के पास खड़ा रहा, मस्तक फेर लिया। तब राम ने कहा देखो ज्ञान ग्रहण करने के लिए जिससे ज्ञान ले रहे हो उसका आदर करना सीखो, रिस्पेक्ट देना सीखो। और किसी के मस्तक के ऊपर खड़े रहकर ज्ञान नहीं मिलता, चरणों में खड़े रहने से ज्ञान मिलता है। तुम रावण के पास जाओ, चरणों में खड़े रहो, प्रणाम करो, तब ज्ञान मिलेगा। और लक्ष्मण जी गए और रावण के चरणों के पास जब खड़े रहे तो मरते मरते रावण ने लक्ष्मण को सुंदर ज्ञान दिया। वो ज्ञान आप सब लोग जानते हो। मैं इसलिए कह रहा था कि परीक्षित महाराज ने सुखदेव को भगवन कहा, नर का नाम भगवन, किम आहोस्वित अंतरालम इति किम देश विशेषा। हे भगवान, ये नरक क्या है? तो समझ गए भगवन क्यों कहा। कभी कभी हमारे देश में मुझे भी कुछ लोग कहते हैं भगवान आइए, भगवान आइए, इसका अर्थ है नहीं हम भगवान हो गए, एज ए रिस्पेक्ट। और दूसरा, एक आचार्य ने अपनी कमेंट्री में बहुत सुंदर बात लिखी कि परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को भगवंत इसलिए कहते हैं क्योंकि सुखदेव गोस्वामी में जो षड ऐश्वर्य में जो 6 गुण होते हैं उनमें एटलीस्ट 2 गुण तो थे, और वह कौन सा गुण था? एक वैराग्य और दूसरा ज्ञान। एक तो सुखदेव गोस्वामी में भरपूर वैराग्य भरा था। ये भागवत हम लोग जिससे सुन रहे हैं ना भक्तों, वो कोई साधारण आदमी नहीं, परम वैराग्य, वैराग्य चूड़ामणि सुखदेव गोस्वामी। व्यास नंदन, व्यास मुनि की पत्नी कृतिका के गर्भ में थे सुखदेव, और गर्भ में 12 साल बीत गए। बच्चा तो 9 महीने में बाहर आ जाता है ना, ये 12 साल तक मां के गर्भ में रहे। बाहर से व्यास मुनि कहते बेटा बाहर निकलो, तो अंदर बैठे बैठे मैं नहीं निकलूंगा, मुझे माया का डर लग रहा है। स्वयं भगवान कृष्ण आए और कहा कि माया मेरी शक्ति है, तुम चिंता मत करो, माया तुम्हें टच नहीं करेगी। तब जाकर सुखदेव का प्राकट्य हुआ, और जन्म लेते ही सुखदेव
अपना अपने माँ बाप माता पिता घर बार संसार सब कुछ छोड़कर वन में चले गए, ब्रह्म समाधि में स्थित हो गए, परम विरक्त चुड़ामणि। उनके विषय में आया, स गोदोहन काल मात्रेण गृहेशु गृह मेदिनाम। सुखदेव जी एक स्थान पर ज्यादा देर तक टिकते नहीं है। जितने समय में गाय को दोहा जाता है उतने समय तक सुखदेव एक स्थान पर रहते हैं और फिर आगे निकल जाते हैं। ऐसे परम विरक्त, विरक्ति का गुण है और साथ ही साथ ज्ञान का गुण है। और इतना ही नहीं, सुखदेव में सुंदरता भी, ऐसा भागवत में लिखा है, कृष्ण जैसे सुंदर थे सुखदेव। जैसे कृष्ण का शरीर श्याम वर्ण का था, सुखदेव जी श्याम वर्ण के थे, लंबे बाल थे। सुखदेव जी के बाल कैसे थे? लंबे बाल थे। कुछ लोग मुझे कहते हैं कि आप मुंडन करा दो, मैंने कहा सुखदेव के तो लंबे लंबे बाल थे, मैं तो छोटा छोटा रख रहा हूं। सुखदेव जी के लंबे बाल थे, कमर पतली थी और 16 साल के युवक थे सुखदेव गोस्वामी। ऐसे सुंदर थे, विरक्त थे, ज्ञानी थे कुछ हद तक। षड ऐश्वर्य भगवान के जो 6 भग गुण सुखदेव गोस्वामी में थे, इसलिए परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को भगवंत कह रहे हैं। ओके, दो रीजन मैंने आपको बताया, एक तो एज ए रिस्पेक्ट और एक उनमें ये गुण प्रकट हो रहे थे इसलिए भगवान कह रहे हैं। तो हे भगवंत, हे सुखदेव गोस्वामी, नरका नाम किम देश विशेषा। आपने अभी अभी नरक शब्द का इस्तेमाल किया, ये नरक क्या कोई कंट्री है? नरका किम देश, नरक कोई कंट्री है? जैसे ऑस्ट्रेलिया अमेरिका, ऐसे नरक कोई देश है? किम देश विशेषा, अथवा बहिस्त्री लोकिया, अथवा ये नरक जो है त्रिलोक, ये तीनों लोक, अतल वितल तलातल, मतलब भू भू अध, क्या अथवा नरक जो है ये तीनों लोकों के बाहर है? नरक तीनों लोक के अंदर कोई कंट्री है या तीनों लोकों के बाहर है? या आहो स्वित अंतरालम इति, अथवा नरक कोई छोटा सा गांव है? ये नरक क्या है? सुखदेव जी कृपया करके नरक के बारे में आप मुझे विस्तार से बताइए। ओके, परीक्षित महाराज ने ये प्रश्न पूछा। सुखदेव जी इसका उत्तर देना प्रारंभ करते हैं। भागवत 5वां स्कंद 26वां अध्याय, श्री शुक उवाच। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, हे परीक्षित, त्रि जगति अंतराल एव अस्तो। सबसे पहले सुनो कि नरक जो है त्रि जगत भू भूव अध, नरक जो है इसी ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। नरक इसी ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। त्रिजगति अंतराल एव दिशि, और दिक्षि दक्षिणी श्याम। तब परीक्षित ने पूछा, तो नरक कहां है? तो नरक जो है पृथ्वी से नीचे गर्भोदक सागर के ऊपर साउथ दक्षिण दिशा में, यह नरक एक स्थान है। एग्जैक्टली कहां पर है नरक? तो कहते हैं पितृगणा स्वाना गोत्राणाम परमेण समाधिना। ये नरक जो है पितृलोक के बिल्कुल बाजू में है, समझ रहे ना आप? थोड़ा इमेजिन कर सकते हैं, पृथ्वी से बिल्कुल नीचे गर्भोदक सागर के ऊपर दक्षिण दिशा में और पितृलोक के बाजू में। लेकिन एक पॉइंट यहां पर बहुत सुंदर कहा, ध्यान से सुनिए, किसके बाजू में है नरक? पितृलोक के बाजू में। तो सुखदेव जी कहते हैं ये वो पितृलोक है जहां पर पितृगणा, जहां पर पितृलोक मतलब हमारे पितृ, हमारे पूर्वज, समझ रहे ना पूर्वज, ये वो पितृलोक है जहां पर हमारे पूर्वज, हमारे पितृगण
स्वानाम गोत्राणाम परमेण समाधिना सत्या एव आशिषा आशाशानम निवसन्ति। ये वो पितृलोक है जहां पर पितृगण अपने पुत्रों के लिए, अपने वंशजों के लिए सुंदर आशीष और सुख की कामना करते हैं। ये नरक का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, उसके साथ साथ नरक पितृलोक के बाजू में है, लेकिन पितृलोक में क्या होता है ये बात मैं आपको समझाना चाहता हूं। पितृलोक में हमारे हमारे माँ बाप, हमारे पिता, हमारे माता, जिसकी मृत्यु हो चुकी है, वो उस पितृलोक में रहते हैं वेटिंग में। जब तक वो आगे नरक में न जाए तब तक पितृलोक में वेटिंग में रहते हैं। उस वेटिंग में रहकर वो पितृ, हमारे पूर्वज क्या करते हैं, हमारे लिए शुभ कामना करते हैं, मंगल कामना करते हैं कि मेरे बच्चे खुश रहे, मेरे बेटों के जीवन में कोई विघ्न ना आए। ये हैं पितृलोक। हमारे पितृ सदैव हमारे लिए मंगल की कामना करते हैं, हमारे पितृ सदैव हमारा भला चाहते हैं। कौन बाप, कौन माँ अपने बच्चों के लिए बुरा सोचती हैं? हाँ, बच्चे माँ बाप के लिए बुरा सोचते हैं, इसमें तो कोई संशय नहीं है, लेकिन कौन माँ बाप अपने बच्चों के लिए बुरा सोचते हैं? इवन मरने के बाद भी माँ बाप पितृलोक में रहकर बच्चों के लिए भला सोचते हैं। और इसीलिए भागवत के एकादश खंड में लिखा है, हम सब हमारे पितरों के ऋणी हैं। ऋण समझते ना, ऋण को अब इंग्लिश में लोन कहा जाएगा। हम सब हमारे पितरों के ऋणी हैं। देवर्षि भूताप्त्र नृणाम पितृणाम, पितरों का ऋण है। जीते जी हमें सुख देते हैं और बेचारे मरने के बाद भी हमारे सुख की कामना करते हैं, और ऐसे पितरों के ऋण को हम चुकाएंगे नहीं। याद रखिएगा, ऐसे पितरों को यदि हम दुखी करेंगे तो हमारे जीवन में कभी सुख नहीं आ सकता है, सुख नहीं आ सकता है। ये पितरों की बात आई इसलिए कह दूं, जब कोई व्यक्ति यहां पर मरता है, जब यहां पर कोई मरता है तो मरने के बाद वो पितृलोक में जाता है, ठीक है? और पितृलोक में वो वेटिंग एरिया है जहां वेटिंग में रहता है, क्योंकि नरक में जो यमराज का ऑफिस है, जहां कोर्ट है, जहां यमराज चित्रगुप्त सब लोग बैठते हैं, वहां इतने सारे पापी लाइन में खड़े हैं, तो वेटिंग लिस्ट आजकल लंबा चल रहा है। इसलिए आजकल पितरों को पितृलोक में बहुत सालों तक रुकना पड़ता है, और बहुत सालों तक वे रुकते हैं। उसके भोजन की व्यवस्था क्या होती है जानते हैं? भागवत में लिखा है कि साल भर तक उनको कुछ नहीं मिलता, साल में एक दिन होता है जिसे हम कहते हैं श्राद्ध। जिस तिथि में हमारे पूर्वज पितरों का निधन हुआ, मृत्यु हुई, उस तिथि में श्राद्ध के दिन, उस तिथि में यदि हम श्राद्ध करते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराए, कव्वे को भोजन कराए, श्राद्ध करे, तो वह श्राद्ध पूरे साल की व्यवस्था पितृलोक में पितरों को मिल जाती है। आप कहोगे प्रसाद की एक प्लेट साल भर कैसे चलेगी, ये भगवान का गणित है। जैसे कोई चेक साइन करके दे दे, इसे देखा जाए तो कागज का टुकड़ा है, लेकिन वह चेक जब बैंक में ट्रांसफर होता है तो इतना पैसा मिलता है कि साल भर आप अपना घर चला सकते हो। ठीक उसी प्रकार भोजन की एक थाली दिखने में छोटी है, लेकिन जब वो पितृलोक में अयरमा देवता के पास पहुंचती है तब वो साल भर की व्यवस्था कर देती है। हमारे पितृलोक में साल भर राह देखते हैं कि मेरा बेटा पतिया में है, कब मेरे लिए भोजन भेजेगा, और श्राद्ध का दिन आता है और हम हमारे पितरों के लिए भोजन नहीं भेजते। आप इमेजिन कीजिए, बाकी सारे पितृ भोजन कर रहे होंगे और हमारे पितृ ऐसे देख रहे होंगे, वो भोजन कर रहा है, ये कर रहा है, साले मेरे बेटे ने नहीं भेजा, वो इतना गाली देते हैं, वो हाई लगती है।
और फिर बेटा कितना भी स्ट्रगल करे कभी सक्सेस नहीं हो सकता। मैं तो कहता हूं हमें पितरों को ऐसा श्राद्ध करना चाहिए, ऐसा श्राद्ध करना चाहिए कि 10 गुना भोजन भेज देना चाहिए ताकि हमारे पितरू पितृलोक में भी खुद तो खाए दूसरों को भी खिलाए। ये तू भी खा, तू भी खा, तू भी खा, सबको खिलाए। तो कहते हैं कि पितृगणा स्वानाम गोत्राणाम परमेण समाधि। कुछ लोग ऐसा प्रश्न पूछते हैं कि प्रभु ये तो साल में एक बार भोजन की व्यवस्था हुई, यदि हम हमारे पितरों का उद्धार करना चाहते हैं, पितरों का भला करना चाहते हैं, क्या करना चाहिए? पद्म पुराण में, भागवत में और सभी जगह पर पितरों का उद्धार करने के लिए केवल एक ही उपाय बताया गया है और वो है भागवत कथा का आयोजन। यदि हम भागवत कथा सुनते हैं, भागवत कथा दूसरों को सुनाते हैं, हम भागवत में किसी भी तरीके से जुड़ जाते हैं, सेवा में या सुनने में या सुनाने में, तो निश्चित हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं, हमारे पितरों का उद्धार होता है। और इसका ज्वलंत प्रमाण है धुंधुकारी और गोकर्ण। धुंधुकारी मरने के बाद प्रेत बना और गोकर्ण जी ने भागवत सुनाया और इस भागवत सुनकर धुंधुकारी का उद्धार हो गया। सो खैर, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि नरक एक लोक है और अंतराल में है और पितृलोक के बिल्कुल बाजू में है। ये है नरक लोक। आगे कहते हैं, यत्र वावपि पितृराज। कहते हैं कि वहां पर उस नरक में जो नरक के देवता है, उस देवता का नाम क्या है? कहते हैं वैवस्वत, वो है सूर्य के पुत्र यमराज। नरक लोक के देवता है यमराज। भगवत शासन अनुल्लंघित स्वपुरुषे संपरेतु जंतुषु स्वविषयम प्रापितेषु यथा दंडम। वो नरक लोक के देवता यमराज भगवान की आज्ञा से, भगवान के नियम को उल्लंघन किए बिना जितने भी लोग इस संसार में पाप करते हैं उन पापियों को दंड देते हैं। यथा कर्म अवध्यम दोषम एव सगण दमम धारियति। जिसने जैसा पाप किया है उस पापी को यमराज वैसा ही दंड देते हैं, वैसा ही दंड देते हैं। सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को कहते हैं कि परीक्षित, और ऐसा नहीं है कि नरक छोटा सा है, नरक लोक जो है हमारी पृथ्वी से 10 गुना बड़ा है। नरक लोक पृथ्वी से 10 गुना बड़ा है और उस नरक में बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। एक एक डिपार्टमेंट एक एक कंट्री की तरह, एक एक देश की तरह है। सुखदेव गोस्वामी नरक के कुछ डिपार्टमेंट गिनाते हैं। आप लोग अभी केवल नाम सुन लीजिए, कल से हम इसको विस्तार से वर्णन करेंगे। नरक में कितने डिपार्टमेंट हैं तो सुनिए। नरक में सबसे पहले तामिस्त्र, अंध तामिस्त्र दूसरा, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्रम, असी पत्रवन, शुक्रमुख, अंधकूप, कृमि भोजन, संदश, तप्त सुरमी, वज्रकंटक, शालमली, वैतरणी, प्राणरोध, विशसनम, लाला भक्ष, सारमियादन, अवीची। ये सब नरक के अंदर डिपार्टमेंट है जहां पर आपको जाना है। नहीं, आप तो नहीं जाएंगे ना, आप तो वैकुंठ जाएंगे ना, लेकिन जिसको जाना है वो ध्यान से सुन लीजिए। हम लोग अमेरिका जाते हैं तो 2 महीने पहले से नहीं तैयारी करते, पूरा मैप लेकर गूगल में देख लेते हैं, यहां पर ये है, यहां ये है,
तो नरक में भी जाना है तो देख लीजिए, गूगल में करा रहा हूं आपको कि कौन चीज कहाँ है कैसी है। तो रौरव महारौरव कुंभी पाक काल सूत्र असी पत्रवन शुकरमुख अंधकूप कृमि भोजन संदश तप्त सुरमि व्रज कंटक शालमली प्राणरोध वैतरणी विशेषण सारमयादन अविची अयह पान शारकर्दम रक्षोगण भोजन शुलप्रोध दंदशुक अटव पर्यावर्तन शुचिमुख। इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ये सब नरक के नाम है। अभी भी सुखदेव का मूड नहीं हो रहा था धर्मराज जी, सुखदेव का मूड, सुखदेव जी ने कहा कि ये सब नरक के नाम है परीक्षित, अब मैं आगे कथा सुनाता हूं। परीक्षित ने कहा रुको 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 रुको, केवल नाम मत दो महाराज, किस नरक में क्या दंड दिया जाता है और किस नरक में कैसे अपराधी को क्या पाप करे और कौन सा नरक मिलता है हमको विस्तार से बताइए। बुद्धिमान व्यक्ति वो है जहां जाना है वहां की वस्तु को पहले से समझ ले। जब परीक्षित महाराज ने कहा कि आप एक ही श्लोक में सारे नरकों के नाम गिना दोगे नहीं चलेगा, महाराज आप एक एक नरक के बारे में हमको विस्तार से बताइए, तब सुखदेव गोस्वामी नरक को विस्तार से बताते हैं। अब नरक का वर्णन सुखदेव गोस्वामी शुरू करते हैं, लेकिन इसके पहले मैं आप सबको कह दूं कि दुनिया में लोगों की नरक के बारे में कई सारी धारणाएं हैं। कुछ लोग तो ऐसा कहते हैं कि नरक और स्वर्ग कुछ नहीं, वो सब यहीं पर है। हरे कृष्ण। सभी भक्तों से निवेदन है अपने मोबाइल कृपया स्विच ऑफ या साइलेंट मोड पे कर दीजिए, प्लीज मोबाइल स्विच ऑफ और साइलेंट मोड पे कर दीजिए। हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कुछ लोग का ऐसा मानना है कि नरक और स्वर्ग कुछ नहीं, जो भी है यहीं पर है, ऐसा नहीं है। नरक और स्वर्ग यहीं है ऐसा नहीं है, नरक एक अलग स्थान है जैसे मैंने आपको बताया। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जो भी दंड मिलता है दुख मिलता है हमको यहीं पर मिलता है, नरक स्वर्ग कुछ नहीं। हाँ यहां पर हमें दंड मिलता है लेकिन वो हमारे पाप का वास्तविक दंड नहीं है, यहां जो हमें दंड मिलता है वो तो मात्र एक सैंपल है, रियल वास्तविक दंड तो नरक मिल। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका थाईलैंड में मुझे पता नहीं, लेकिन भारत में जब कोई पुलिस चोर को चोरी करते हुए पकड़ लेते तो दंडे से बहुत पीटते हैं, उसी जगह पर ही वो पुलिस दो पांच डंडे मारती हैं और पकड़ लेते हैं और लेकर जाते हैं। तो उस चोर को डंडे से मारना ये उसकी वास्तविक सजा नहीं है, है ना, ये तो एक सैंपल है। वास्तविक सजा तो उस चोर को कोर्ट में ले जाएंगे और जज जजमेंट देंगे, उसे ये जेल में डालना है, वो उसकी वास्तविक सजा होगी। इस दुनिया में हमें जो दुख मिल रहा है वो एक सैंपल है, वास्तविक दंड तो यमराज देंगे और वह दंड हमें नरक में भुगतना होगा। कुछ लोग तो ऐसा मानते हैं, उससे भी गए गुजरे, कि नरक है ही नहीं, ये सब लोगों को डराने के लिए कहा जाता है। भाई तुमको डराने से हमको क्या मिलने वाला है, मुझे ये बताइए, दूसरों को डराने से क्या मिलेगा। तो कुछ लोग कहते हैं कि बस ऋषि मुनियों ने जीवों को डराने के लिए नरक की बातें की, नरक वरक कुछ नहीं है, यदि नरक होता तो हमको दिखता, हमको दिखाई नहीं दे रहा है मतलब नरक नहीं है। ऐसे मूर्खों को कहना चाहिए क्या आपको हवा दिखाई दे रही है, हमें हवा नहीं दिखाई देती है तो क्या इसका मतलब यह है कि हवा नहीं है। अरे कुछ चीज ऐसी होती है
जो हमारे ज्ञान से परे होती हैं, हमारी दृष्टि से परे होती हैं। कई बार कुछ लोग कहते हैं, अरे छोड़ो नरक वरक को, किसने देखा है नरक, किसने देखा है? तूने नहीं देखा, सुखदेव ने देखा, वेदव्यास जी ने देखा, कृष्ण ने देखा, भगवद गीता में बताया, जिसने देखा है उनको पूछो। बुद्धिमानी वही है ना कि जो देखा है उनका अनुभव हम समझे, जाने और जीवन में उतारे। कई बार कुछ लोग कहते हैं नरक होता तो दिखाई देता, हम जाते। पहले क्या होते, आजकल तो ये मोबाइल फोन आ गए, पहले वो वायर वाले फोन हुआ करते थे और फिर उसमें वैसे गोल गोल घुमाकर हम फोन करते थे, और उसमें भी पीसीओ करना है तो ठीक है, लेकिन एचडीडी आईएचडी जब करना होता था तो उसमें बहुत बिल आता था। अब दो पांच मिनट रुक जाइए पानी के लिए, बंद ही कर रहे हैं। तो कभी कभी क्या होता था कि भारत नेपाल वर्मा हम जब फोन करते थे तो उसका बिल चढ़ता था, तो घर वाले कहते जल्दी फोन रखो बिल आएगा, है ना, आप लोग करते थे ना, जल्दी जल्दी फोन रखो बिल आएगा बिल आएगा। वो फोन रख कर कहे कहां बिल है, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा है, आधे घंटे से चिल्ला रहे हो बिल आएगा बिल आएगा, बिल तो नहीं दिखाई दे रहा है। वो बिल उस समय नहीं दिखाई देगा, लेकिन जैसे ही एक महीना समाप्त होगा, आपने जितने घंटे जितनी मिनट जितनी सेकंड जितनी पल्स बात की है उसका सारा लिफाफा घर पर आएगा और उसे भरना ही होगा। फोन का बिल महीने के बाद आता है और जीवन में किए हुए पाप का बिल मरने के बाद आता है, बिल जरूर आता है। जैसे फोन में बात करो दिखाई नहीं देगा, वैसे आप अभी पाप करो अभी बिल नहीं आएगा। अभी तो क्रेडिट कार्ड यूज कर लो आप, अभी तो पाप कर लो, क्योंकि कृष्ण ने इतनी स्वतंत्रता दे रखी है, लेकिन इसका बिल जो है मरने के बाद चुकाना पड़ेगा। और यदि पाप किया है तो वह बिल नरक में जाकर चुकाना पड़ेगा, है? यमराज के दरबार में जाकर। और भक्तों जो जीवन भर पाप करते हैं वो मरने के बाद सीधे नरक में जाते हैं। जो भक्ति करते हैं और जिसकी भक्ति परिपूर्ण हो गई वो तो सीधे वैकुंठ गोलोक वृंदावन, जिसकी भक्ति अधूरी रह गई है वो सीधे मनुष्य बनते हैं। शुचिनाम श्रीमताम गेहे योगो भ्रष्ट विजायते, किसी धनी परिवार में किसी पवित्र किसी भक्त के घर पर उनका जन्म होता है ताकि जो भक्ति अधूरी है उसको वो कंप्लीट कर सके। जैसे आजकल के बच्चे नहीं बचपन से ही हरिनाम जप करते हैं, गीता के श्लोक बोलते हैं, ये पूर्व जन्म की सुकृति भक्ति लेकर आए हैं, ये आजकल का नहीं है। नहीं तो हम 50 साल के बूढ़े हो गए हमको 5 श्लोक भी नहीं आते, और छोटे छोटे बच्चे कितना श्लोक गा देते हैं बोल देते हैं, वो इस जन्म का नहीं है, वो पूर्व जन्म का है। इस जन्म में मात्र वो स्मृति वो याद कर रहा है जो पूर्व जन्म का है वो। तो जो पूर्ण भजन कर चुका वैकुंठ, जिसकी भक्ति अधूरी रह गई भक्त के घर पर तुरंत मनुष्य, लेकिन जो अपने जीवन में पाप करता है उस पापी की बड़ी दुर्गति होती है, बड़ी दुर्गति। एक तो जिसने पाप किया है उसकी मौत भी अच्छी नहीं होती, वो बड़ा दुखी होकर मरता है। पुण्य करने वाला तो तुरंत अटैक आ गया, तुरंत चला गया, न खुद परेशान न दूसरों को परेशान, लेकिन पापी आदमी सड़ सड़ के मरता है, बहुत परेशान होता है, और फिर एक दिन उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाती है तो उनके बेटे लिखते हैं स्वर्गवास, सीधा नरक में गया है, है? और कुछ लोग तो मुझे बड़ी हंसी आती है, कुछ लोग कहते हैं मेरे पिताजी जब मरे थे तो वो कृष्ण के फोटो के सामने देखते थे। तेरा बाप कभी कृष्ण को देखा था? जीवन भर दारू पीता था, वो मरते समय कृष्ण को देखेगा? लेकिन तो क्या ना, हम अपने आप को मनाने का प्रयास करते हैं, मेरे 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 पिताजी जब मरे तो वो भगवान का नाम। अब मरने से 2 महीने पहले वाणी बंद हो जाती है, वाह गदगदा
कप पीत से भर जाता है, न बुद्धि काम करती है, न वाणी, न कान, न आंख, कुछ काम नहीं करता है, केवल काम करता है तो मन। एक बात याद रखिएगा कि मरते समय केवल एक ही तत्व काम करता है और वह है हमारा मन, हमारा माइंड। और इसीलिए गीता में कृष्ण ने बार बार कहा, मन मना भव मद भक्तो, अर्जुन कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपना मन दे दो। क्योंकि जीवन भर हमारा मन कृष्ण में लगा है तो मरते समय केवल एक ही तत्व काम करने वाला होगा, वो मन कृष्ण में लगेगा। और मन यदि मरते समय कृष्ण में लगा तो यम यम वापि स्मरण भावम, भगवान कृष्ण को हम प्राप्त कर सकते हैं। ये दोनों बच्चों को जरा बिठा दीजिए, ये कल के भविष्य हैं लेकिन आज का वर्तमान बिगाड़ रहे हैं। हरे कृष्णा क्या कह रहा था मैं, आपको याद कराना पड़ेगा हैं? मन मना भव। जीवन भर जब कोई पाप करता है तो मरने के बाद पहले तो उसे लेने के लिए यमराज के तीन तीन दूत आते हैं, भयंकर काले पहाड़ के समान होते हैं। उसे देखकर मरने वाला डर जाता है और डर के मारे पसीना छूट जाता है, आंखें पड़ जाती हैं और शरीर में जो भी मल मूत्र होता है निकल जाता है, क्योंकि भयंकर दूतों को वह देख चुका है। और यमराज के दूत जिसको लेने के लिए आते हैं वही उसे देख सकते हैं, और कोई नहीं देख सकता। इसे हमारे देश में मान्यता है कि कुत्ते और गाय देख सकते हैं, इसलिए रात को कुत्ते कहीं कहीं भौंकते हैं क्योंकि देख लेते हैं, ऐसी मान्यता है, कहीं लिखा नहीं है। लेकिन जिनको लेने आए हैं वही यमराज के दूत को देखते हैं और यमराज के तीन तीन दूत आते हैं, रस्सी से, हृदय से आत्मा को खींचकर निकाल कर लेकर। उस परिस्थिति में भी वो पापी मरना नहीं चाहता है, इतना परेशान हुआ है लेकिन फिर भी खुद मरना नहीं चाहता है। मरते समय उनको बड़ा कष्ट होता है लेकिन जबरदस्ती यमराज के दूत उसे खींचकर घसीट कर लेकर जाते हैं और यहां से 99,000 योजन दूर नीचे, जो भी बताया आपको, 99,000 योजन दूर नीचे पितृलोक में लेकर जाते हैं। पितृलोक जहां वेटिंग होता है और फिर उसे यमराज के कोर्ट में खड़ा किया जाता है। यमराज जी बैठे हैं अपने आसन पर और यमराज जी का एक मंत्री जिसका नाम है चित्रगुप्त। आजकल ये टीवी वालों ने इसका बड़ा मजाक बना कर रखा है लेकिन ये बहुत सीरियस सब्जेक्ट है कि यमराज के दूत होते हैं चित्रगुप्त और उस पापी को वहां पर खड़ा किया जाता है और यमराज जी चित्रगुप्त को कहते हैं, चित्रगुप्त बताओ इस व्यक्ति ने जीवन में क्या क्या पाप किए हैं। और चित्रगुप्त अपना, अब तो वहां भी लैपटॉप आ चुके हैं, कंप्यूटर आ चुके हैं, चित्रगुप्त अपना कंप्यूटर खोलता है। चित्रगुप्त परेशान हो जाता है, महाराज आप इसे तो बड़ी से बड़ी सजा दो क्योंकि ये पताया का आदमी है, ये फतिया का है और इसने इतना पाप किया, हमारी तीन हार्ड डिस्क भर गई है, ये हमारी तीन तीन हार्ड डिस्क बिगाड़ चुका है महाराज, पहले तो ये हार्ड डिस्क के लिए इसको दंड दो। इसका कितना लेखा जोखा हमको रखना पड़ेगा। सो इस प्रकार से यमराज जी देखते हैं कि किस जीव ने क्या सजा की है और उस पाप के अनुसार यमराज जी उनको दंड देते हैं। अब सुनिए, भागवत से हम सुनते हैं कि कैसे पापी को किस नरक में डाला जाता है और वहां पर क्या होता है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, यत्र
यह तू परवित्त अपत्य कलत्राणी। सुखदेव जी कहते हैं कि यत्र, यहां पर माने इस संसार में, इस पृथ्वी पर जो व्यक्ति परवित्र दूसरों के धन को चुराता है, चुराना माने झूठ बोलकर ले लेना, किसी का धन पड़ा लेना, तो यत्र यह तू परवित्त, जो दूसरों का पैसा ले लेता है। आजकल लोगों को मनी जो है ना, हनी से भी ज्यादा स्वादिष्ट लगता है, और उसमें भी दूसरों का पैसा तो बड़ा अच्छा लगता है। तो इसलिए यहां पर लिखा है परवित्त, अपना पैसा तो है लेकिन दूसरों के पैसे पर ज्यादा नजर टिकी होती है। तो परवित्त, दूसरों का पैसा जो ले लेता है, और पैसा ही नहीं अपत्य कलत्राणी, और दूसरों की पत्नी को जो ले लेता है, दूसरों के बच्चे को जो, दूसरों के संतान को जो हरण अपहरण किडनैप कर लेता है, कहते हैं सही व निश्चय ही अति भयानके यम पुरुषे कालपाश बद्ध। दूसरों का पैसा ले लेता है, दूसरों की पत्नी और दूसरों के बच्चे को जो ले लेता है, वो निश्चय ही नरक में जाता है। ये पहली बात सुखदेव जी ने कहा। और कैसे नरक में? अति भयानक है, वो भयानक नरक में जाता है। और यम पुरुषे काल पाश बद्ध, और यमराज के दूत उस पापी को काल पाश में एक बहुत मोटी रस्सी में बांधकर एक नरक में डालते हैं। उस नरक का नाम है तामिस्त्र। तामिस्त्र नरके, तामिस्त्र नाम के नरक में बलात् जबरदस्ती उसे लेकर जाते हैं और निपायते वहां पर उसे गिरा देते हैं। ये तामिस्त्र नरक कैसा है? जैसे वो मैंने आपको लिस्ट बताया ना, उसमें एक ये नरक था। तामिस्त्र नरक कैसा है? तो तामिस्त्र प्राय, तामिस्त्र नरक कैसा है? जहां पर अंधकार ही अंधकार होता है, जहां पर कोई उजाला नहीं है। तम माने अंधकार, तामिस्त्र अंधकार। ऐसा नरक है जहां पर कोई टॉर्च नहीं है, न दिया है, न कोई प्रकाश नहीं, आदमी अपने आप को भी नहीं देख सकता, और हजारों करोड़ों वर्ष तक उसे उस अंधकार में रखा जाता है। और उस अंधकार में रखकर अनशन न, उसे अन्न और जल नहीं दिया जाता। अंधेरे कोटड़ी में, अंधेरे कमरे में, और न पानी दिया पीने को, और न भोजन देते हैं। इतना ही नहीं, दंड ताड़न संतर जन आदि। और फिर जिन लोगों का पैसा वो लेकर चला गया है, जिसकी पत्नी का अपहरण कर लिया है, जिनके बच्चों का अपहरण कर लिया है, वे लोग वहां पर पशु पक्षी बनकर आते हैं और इसे डंक मारते हैं, इसे नोचते हैं, इसे काटते हैं, इसे खाते हैं। ये चिल्लाता है, ये चिल्लाता है, कहता है अब छोड़ दीजिए, अब मैं नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। यमराज के दूत 10 डंडे और ज्यादा मारते हैं। साले, मनुष्य जीवन मिला था, भागवत जैसा ग्रंथ मिला था, और तेरे फतिया में लाल गोविंद दास को भेजा था। फिर भी पाप किया। जब तक कथा नहीं हुई थी तब तक तो 2 डंडे कम मिलने वाले थे, अब कथा सुनने वाले को 2 डंडे ज्यादा मिलने वाले हैं। कि ज्ञान हो गया, जानबूझ सब कुछ जानते हुए, जानिया सुनिया विष खाई नो। तो यमराज के दूत उसे डांटते हैं, मारते हैं, और अनेकों प्रकार की पीड़ा देते हैं, और वो आदमी मूर्छित हो जाता है, जीवित होता है। ऐसे हजारों लाखों करोड़ों वर्षों तक उसे अंध तामिस्त्र नामक नरक में रखा जाता है, जो दूसरों के धन को आदि को ले लेता है। और इस नरक में कलयुग के पंडित जी, शास्त्री जी का प्रमाण ज्यादा है। दूसरों के धन को ठगते हैं, लेते हैं। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, हर ही शिष्य धन शोक न हर ही। जो गुरु बनकर बैठा है, जो साधु सन्यासी बनकर बैठा है,
अपने शिष्यों का धन तो हरता है लेकिन शिष्य का शोक नहीं हरता है, उसका दुख दूर नहीं करता है, वह व्यक्ति इस तामिस्त्र नरक में जाकर गिरता है। इसमें पैंट शर्ट वाले कम है, धोती वाले ज्यादा है। हाँ, तो इस प्रकार सब धोती वाले नहीं है, गलतफहमी ना हो जाए, लेकिन जो इस कलयुग में दूसरों को ठगने के लिए साधु का वेश धारण करके दूसरों के धन को, पुत्र पत्नी आदि को ठगते हैं, वो तामिस्त्र नामक नरक में जाते हैं। आइए आगे आगे कहते, एवं एव यतु पुरुषम वंच इत्वा वरादीन उपभुंक्ते यत्र अंध तामिस्त्र निपायमान। जो व्यक्ति किसी को ठग कर किसी की पत्नी का अपहरण करके चला जाता है, उसे अंध तामिस्त्र नरक में डालते हैं और वहां पर भी उसे भयंकर दंड, भयंकर यातना दी जाती है। आगे हम कथा सुनेंगे कि जो लोग झूठ बोलते हैं उनको भी नरक में डालते हैं, अपने घर पर आए हुए गेस्ट को, अतिथि को देखकर स्माइल नहीं देते, प्रसन्न नहीं होते, वो भी नरक में जाते हैं। इसलिए हम लोग आए हैं, आप लोग स्माइल दीजिएगा, प्रसन्न रहिएगा, सेवा कीजिएगा। जो लोग उच्च कुल में जन्म लेकर भगवान को भोग नहीं खिलाते, साधु संतों की सेवा नहीं करते, वो भी नरक में, सारी बातें आएगी। लेकिन परीक्षित महाराज ने यह पूछा कि हे सुखदेव जी, यह बताइए कि इस नरक से बचने का कोई उपाय हो तो आप बताइए। तो हम रोज नरक का भी वर्णन करेंगे, नरक से बचने का उपाय का भी वर्णन करेंगे। आइए नरक से बचने का उपाय हम सुने, उसके पहले 2-5 मिनट खड़े होकर कीर्तन करेंगे और कीर्तन के बाद आगे की कथा हम जारी रखेंगे। भाव से खड़े होकर हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा गाइए कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। योगेश भाई आगे आओ आगे आओ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare
Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare, Hare Krishna, Hare Gaiye. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Ram Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Radhe Ram Hare Hare Hey Radha देखा रे घन श्याम देखा श्याम देखा घन श्याम देखा श्याम देखा घन श्याम देखा तेरा श्याम हमने गोकुल में देखा राधा तेरा श्याम हमने गोकुल में देखा राधा तेरा श्याम हमने गोकुल में देखा राधा तेरा श्याम हमने गोकुल में देखा हे माखन 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 चुराते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा माखन चुराते हुए ओ राधा तेरा श्याम तेरा श्याम हमने गोवर्धन में देखा राधा तेरा श्याम हमने गोवर्धन में देखा राधा तेरा श्याम हमने गोवर्धन में देखा राधा तेरा श्याम हमने गोवर्धन में देखा हे गैया गैया चराते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा गैया चराते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा गैया बरसाने में देखा राधा तेरा श्याम हमने बरसाने में देखा राधा तेरा श्याम हमने बरसाने में देखा राधा तेरा श्याम हमने बरसाने में देखा हे बंसी 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 बजाते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा बंसी बजाते हुए ओ राधा तेरा
तेरा श्याम हमने वृंदावन में देखा, राधा तेरा श्याम हमने वृंदावन में देखा, राधा तेरा श्याम हमने वृंदावन में देखा, राधा तेरा श्याम हमने वृंदावन में देखा। ए रास रास रचाते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा, बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। ए राधे 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 रखो चले आएंगे बिहारी, राधे रखो चले आएंगे बिहारी। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद 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 बोलो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Prabhupada. Nittai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nittai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nittai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nittai Gaur Premanandi. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. धन्यवाद आप सभी भक्तों ने बड़े भाव से प्रेम से संकीर्तन में भाग लिया। श्रीमद् भागवत पांचवें स्कंद के अंत में जैसे कि हमने सुना और आने वाले दिनों में और भी सुनेंगे, सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को नरक का वर्णन किया और नरक का वर्णन करते हुए सुखदेव जी ने यह भी कहा कि परीक्षित जो पाप करेगा वो निश्चित ही नरक में जाएगा। जैसे भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्येत जगन्न गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। एक ही श्लोक में दो बार गच्छन्ति गच्छन्ति, संस्कृत साहित्य में जब एक ही शब्द दो बार इस्तेमाल किया जाए तो समझो बार बार। कृष्ण गीता के श्लोक में बार बार कहते हैं कि अर्जुन गच्छन्ति गच्छन्ति, इस संसार में जो आया है उसे जाना तो पड़ेगा,
ये तो निश्चित है, ठीक है। गच्छन्ति। और कहां जाना पड़ेगा यह भी कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, यदि कोई सत्वस्थ सत्व गुण में स्थित हो जाए, देखो स्वस्थ होना और सत्वस्थ होना ऐसे शब्द बोलने में बराबर है, लेकिन जमीन आसमान का अंतर है। स्वस्थ का अर्थ होता है कि भाई शरीर से कोई स्वस्थ हो, और सत्वस्थ माने कोई मन से स्वस्थ हो जाए, सत्वस्थ सत्व गुण में स्थित हो जाए। तो हे अर्जुन, जो सत्वस्थ जो सत्व गुण में स्थित है और सत्व गुण में स्थित रहकर सत्व गुणी कार्य करते हैं, वो ऊर्ध्वम गच्छन्ति, वो ऊपर के लोकों में जाता है, स्वर्ग लोक वैकुंठ लोक आदि में। परंतु यदि कोई व्यक्ति रजोगुण में स्थित होकर राजसिक कार्य करता है तो मरने के बाद 84 लाख की योनियों में फंस जाता है, कभी गाय कभी बैल कभी गधा कभी कुत्ता कभी बंदर इस प्रकार से। परंतु जगन्न गुण वृत्ति स्था, परंतु हे अर्जुन, यदि कोई तमोगुण में रहकर तामसिक कार्य करता है, पाप करता है, तो ऐसा पाप करने वाला व्यक्ति मरने के बाद अधो गच्छन्ति तामसा, मरने के बाद अध गच्छन्ति अर्थात नीचे की ओर नरक में जाता है। इस संसार में दुख की बात तो है कि कुछ लोगों को पता ही नहीं कि पाप किसे कहते हैं। पाप की परिभाषा ही नहीं जानते, शूट वुड टाइप पहन कर घूमते, कहते आई एम जेंटलमैन। जेंटलमैन की परिभाषा जानते हो? इस संसार में जेंटलमैन व्यक्ति वो है जो कभी भी किसी को परेशान न करे, उससे कभी भी कोई भी जीव परेशान न हो, केवल मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी चींटी तक कोई परेशान न हो, उसे जेंटलमैन कहते हैं। और आपके थाईलैंड में तो जो भी हाथ में मिल गया पकाकर खा लेते हैं, समुद्र में हाथ डाला कुछ जो भी मिला सी फूड कहके खा लो। उनकी क्या दुर्गति होती? मैं जानबूझ के उस नरक के वर्णन को रोक दिया क्योंकि आज लोग कम हैं, मैं सोचा थोड़े ज्यादा बढ़ेंगे तब जाकर विस्तार से सुनाऊंगा, इसलिए मैंने ट्रैक बदल दिया, ठीक है ना। इसलिए केवल दो नरक मैंने आपको बताए, तामिस्त्र और अंध तामिस्त्र। तो जो पाप करता है उसे नरक में। ये शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, गच्छन्ति गच्छन्ति, जाना है जाना है जाना है, गीता में कृष्ण कहते हैं जाना है। एक ना एक दिन यह शरीर छोड़कर जाना है भक्तों। सुबुद्धिमानी यह है कि शरीर को तो एक दिन छोड़ना ही है, शरीर तो एक दिन श्मशान की भस्म राख बनने वाली है। इस शरीर को इतनी मेहनत कराए, इस शरीर को इतना तपाए, इस शरीर से इतनी तपस्या कराए कि आत्मा की उन्नति हो जाए, आत्मा का प्रोग्रेस हो जाए। लेकिन हमारा उल्टा है, आत्मा का जो होना है सो हो, शरीर को मौज होनी चाहिए बस। आत्मा को किसने देखा? जैसे वो बिल के बारे में मैंने कहा ना, महीने के बाद कौन देखा? शरीर को मौज। इसलिए लोग रात दिन शरीर के सुख में ही लगे हुए हैं, शरीर को आनंद देने में लगे हैं, मूवी देखते हैं आंखों को तृप्त करने, फिल्मों के गाने सुनते हैं कानों को तृप्त करने, नए नए रेस्टोरेंट में जाते हैं जीवा को तृप्त करने, रात दिन शरीर को शरीर की इंद्रियों को तृप्त करने के लिए मेहनत करते हैं,
लेकिन दुर्भाग्य कि इतनी इतनी मेहनत करने के बाद भी शरीर सुखी नहीं होता है, क्योंकि शरीर का गुण ही है दुखी बने रहना। भगवान ने जब यह दुनिया बनाई और जब यह शरीर बनाया तो इस पर एक लेबल मार दिया दुखालयम, और हम लोग इसे सुखी बनाना चाहते हैं। बनाने वाले मैन्युफैक्चरर ने लिख दिया कि यह दुखालय है, यह दुखों का घर है, यहां सुख हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी हम लोग शरीर को सुखी बनाना चाहते हैं। न तो कभी शरीर सेटिस्फाइड होने वाला है, न कभी सुखी होने वाला है। ऐसे शरीर को हम खिलाते पिलाते सजाते हैं, कितनी मेहनत करते हैं और आत्मा की दुर्गति कराते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो शरीर को तपाए, शरीर से मेहनत कराए और आत्मा की उन्नति करे, आत्मा को प्रोग्रेस कराए। मैं अक्सर कहता हूं, आप तो सब पैसे वाले हो, अपने ही घर में रहते होंगे, कुछ लोग भाड़े के घर में रहते हैं, आपको शायद अनुभव होगा। हमारे भारत में जब भाड़े के मकान में रहना होता है तो एग्रीमेंट बनता है जो रेंटल है और जो ओनर है उसके बीच में, और वो एग्रीमेंट 11 महीने का होता है। यदि ज्यादा कर दिया तो भारत तो आप जानते ना, वो अपना कर लेगा घर, सब भूमि गोपाल की, गोपाल मेरे पिताजी का नाम, तो सब बिठा लेता है। तो भाड़े का 11 महीने का एग्रीमेंट होता है और पति पत्नी बच्चे उसमें रहते हैं। अब बुद्धिमान पति, बुद्धिमान आदमी कौन है कि ये 11 महीने का एग्रीमेंट समाप्त हो उसके पहले कोई नया घर खोज ले, ये बुद्धिमानी है ना। और मूर्खामी क्या है, 11 महीने का एग्रीमेंट खत्म हुआ, मकान का ओनर आया, हमारा सारा माल सामान रोड पर रखा और फिर वो ढूंढने जाता है कोई नया मकान ढूंढता हूं, ये तो मूर्खता हुई ना। बुद्धिमानी ये है कि ये भाड़े का मकान खाली करने से पहले कोई नया मकान हम खोज कर रखे। और उससे भी बड़ी बुद्धिमानी, प्रभुपाद कहते हैं महाबुद्धिमानी क्या है कि मकान तो खोजे, ये भाड़े का एग्रीमेंट समाप्त होने से पहले कोई मकान तो खोजे, लेकिन ऐसा मकान खोजे कि फिर कभी खाली ना करना पड़े। ठीक है ना, हर 11 महीने पे ये रेंट खत्म करो, खाली करो, नया मकान शिफ्ट हो, ये करो, कितनी मगजमारी। उससे अच्छा है महाबुद्धिमान व्यक्ति वो है कि ऐसा मकान खोज कर रखे कि फिर वो कभी खाली ना करना पड़े। और मकान और कुछ नहीं भक्तों, मकान हमारा ये शरीर है, ये शरीर भाड़े का मकान है, ये स्थाई नहीं है, ये कुछ समय के लिए रेंट पर हमको मिला है, भाड़े के लिए मिला है। बुद्धिमान मनुष्य वो है, गीता में कृष्ण कहते हैं ये भाड़े का मकान खाली करना होगा, और ये मकान खाली करने से पहले कोई नया मकान खोज कर रखे, और ऐसा मकान कि कभी खाली न करना पड़े। और वो मकान कौन सा है, वो है न तद भाषयते सूर्य न शशांक न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। वो एक ही मकान है और वो है भगवान का धाम, भगवान का धाम। ये है बुद्धिमानी। बाकी मूर्खता तो ये है कि भाई खाओ पियो मौज करो, देखा जाएगा, क्या देखा जाएगा, नरक में देखा जाएगा, तू क्या देखा गया, यमराज तुझे देख लेगा। तो बड़ी उग्र, सुखदेव गोस्वामी ने कहा परीक्षित, जो पाप करता है उसे नरक में जाना ही होगा, उसमें कोई वो छूट नहीं सकता। ये नरक का वर्णन सुनकर महाराज परीक्षित कांप गए। महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी को कहते हैं, सुखदेव जी अब ये नरक का वर्णन करने की जरूरत नहीं, अब आप मुझे ये बताओ कि नरक में जाने से जीवों को कैसे रोका जाए।
नरक का तो आपने बता दिया, और मुझे लगता है कि पाप करने वाला नरक में जाएगा तो दुनिया के सबको नरक में जाना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया में एक आदमी बताइए जो पाप नहीं किया है। पाप तो सब लोग करते हैं ना, कुछ लोग अनजाने में पाप करते हैं तो कुछ लोग जानकर पाप करते हैं, पाप तो सब करते हैं। एक बात समझो, चाहे जानकर पाप करो या अनजाने में, दंड तो मिलेगा। आग जल रही है, उस आग में आप जानबूझकर हाथ डालो या बिना देखे हाथ डालो, वो तो जलाएगी, कर्म तो जलाएंगे। आप यह कहकर छूट नहीं सकते कि भाई मुझे तो पता नहीं था, मैं तो कुछ जानता नहीं था। नहीं, ये जानना, ये पता होना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं यहां थाईलैंड में आया, मुझे यहां ड्राइविंग करना है, मैं अपने कंट्री के रूल फॉलो करूंगा तो चलेगा? फिर मुझे कोई पुलिस पकड़ेगा और कहेगा कि आपने सिग्नल क्यों छोड़ा, इसे क्यों तोड़ा? मैं कहूंगा मुझे पता नहीं था, मैं जानता नहीं था, तो पुलिस डंडा मारेगा ना कि तुझे पहले जानना चाहिए फिर चलाना चाहिए ना। ठीक उसी प्रकार मनुष्य जीवन मिला, बुद्धि मिली, वेद शास्त्र गीता भागवत ऐसे ग्रंथ मिले तो सबसे पहले हमें जान लेना चाहिए फिर जीवन को चलाना चाहिए, नहीं तो पुलिस यमराज पकड़ेंगे, दंड देंगे। सो इस प्रकार जानकर पाप करते हैं कुछ लोग अनजाने में, जैसे अनजाने में पाप क्या होते हैं, हमारी माताएं रोज 2-3 बार भोजन पकाती होगी, उसके लिए गैस चूल्हा शुरू करती होगी, भोजन पकाने के लिए उस चूल्हे में से जो आग निकलती है उस आग में अनेकों जीव जंतु मर जाते हैं, ये पाप है। हम लोग गर्म पानी से नहाते हैं, वो गर्म पानी नाली में जाता है, नाली में कुछ ऐसे जीव जंतु होते हैं उसे स्पर्श होते ही वे मर जाते हैं, वो भी पाप है। न जाने हम नहीं जानते रोज सुबह उठकर कितने जीव जंतु मार रहे हैं। हम लोग रास्ते से चलते हैं, हमारी कार के टायर के नीचे, हमारे पांव के जूते के नीचे कितने जीव जंतु मर जाते हैं, असंख्य जीव, वो पाप है। सांस लेते हैं कितने जीव जंतु मर जाते हैं। इवन चलो आप नॉनवेज नहीं खाते हो, वेजिटेरियन हो, लेकिन आप फल फूल जो भी खाते हो उस वनस्पति को तोड़ना भी पाप है। बकरे को काटा ये तो पाप है क्योंकि उसमें जीव है, तो क्या वनस्पति में जीव नहीं है? जगदीश चंद्र बोस साबित किया वनस्पति में जीवन है, ये फल फूल को तोड़ना भी पाप है। पाप है, हम पाप कर रहे हैं। तो ये हुए अनजाने में पाप। और कुछ लोग तो बैंकॉक थाईलैंड की टिकट ले लेकर आते हैं और रच रच के पाप करते हैं, ये हुआ जानकर पाप है। शराब पीना, मांस खाना, ये सब जानबूझकर पाप करते हैं। और इस दुनिया में सब लोग जाने अनजाने में कहीं ना कहीं पाप हो ही जाता है। इसलिए महाराज परीक्षित सुखदेव जी से कहते हैं कि हे सुखदेव गोस्वामी, अधु नेह महाभाग यथेव नरका नर नाना उग्र यातना न यात तन में व्याख्या तुम रहसी। कृपया करके ये बताओ कि संसार के इस पापी जीवों को नरक में जाने से कैसे रोका जाएगा? तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि परीक्षित एक उपाय है। अब ध्यान से सुनिएगा, पाप तो हो चुके हैं, अब कोई ऐसा दावा कर सकता है मैंने कभी पाप नहीं किया? कोई नहीं कर सकता, हम सब ने पाप किए हैं और कर रहे हैं। भले लंबे लंबे तिलक खींचकर शिखा धोती कुर्ता पहनकर गोपी ड्रेस पहनकर लगता है कि बस राधा रानी के बाद इसी का नाम है, दिखने में तो हम बहुत बड़े डीओटी सीनियर डीओटी बन जाते हैं, लेकिन पाप तो अभी भी हमने नहीं छोड़े हैं, पाप तो कर ही रहे हैं। पाप करने वाले नरक में जाएंगे, उसे बचने का उपाय बताइए। ध्यान से सुनिए, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं परीक्षित एक उपाय है। एक उपाय है क्या? न चेदी है वा पचितिम यथाम हंस कृतस्य कुरियान मन उक्त पाणी भी
ध्रुवम सवे प्रेत्य नरकानु पेति यह कीर्तिता भवत स्मिग्न यातना। सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में पाप किया है तो अपने पापों का प्रायश्चित, अपने पापों का प्रायश्चित कर ले। कहते हैं कि यदि छोटा पाप किया है तो छोटा प्रायश्चित, बड़ा पाप किया है तो बड़ा प्रायश्चित, लेकिन यदि वह प्रायश्चित कर लेता है तो नरक में जाने से बच जाता है, और यदि प्रायश्चित नहीं किया तो ध्रुवम निश्चित ही सवे, वो फतिया वाला पापी, ऐसा लिखा है, ध्रुवम माने निश्चित ही सवे वो पापी नरक अनुपेति, नरक में जाएगा ही जाए। बार बार सुखदेव गोस्वामी डबल ट्रिपल कंफर्मेशन दे देकर कहते हैं कि वो जाएगा, मतलब जाएगा। ये कीर्तिता भवत स्मिग्न यातना, जिस नरक का वर्णन मैंने भागवत के पांचवें स्कंद के 26वें अध्याय में किया। तस्मात परीक्षित, इसलिए, तस्मात माने देयरफॉर, इसलिए, पूरे वाह पाप निष्कृत, इसलिए हमने जितने भी पाप किए हैं, यतेत मृत्यु और विपत्ति आत्मना, जीवन में कोई विपत्ति आ जाए, विपत्ति माने बुढ़ापा आ जाए, या पता चले डायबिटीज कैंसर आदि रोग हो गया, ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ जाए, उसके पहले जीवन में जितने भी पाप किए हैं उसका प्रायश्चित कर लेना चाहिए। कैसे? दोषस्व दृष्टा गुरु लाघवम यथा भिषक चिकित्सेन रुजाम निजानवित। जैसे कोई रोगी किसी डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर देखता है कि छोटा रोग हो तो छोटा निदान, बड़ा रोग हो तो बड़ा निदान, वैसे छोटे पाप का छोटा प्रायश्चित, बड़े पाप का बड़ा प्रायश्चित, लेकिन जीवन में विपत्ति आने से पहले यदि प्रायश्चित कर ले तो वह पापों से या नरक में जाने से बच सकता है। सुखदेव गोस्वामी के का कहने का अर्थ यह है कि जीवन में प्रायश्चित तुरंत करना चाहिए, प्रायश्चित करने में देरी ना करें। यदि पाप किया है और जिस दिन बुद्धि आई कि नहीं कुछ गलत काम हुआ, तुरंत प्रायश्चित, क्योंकि हमारे द्वारा किया गया पाप प्रायश्चित करने में जितनी देरी करेंगे उतना वो बढ़ता जाएगा। व्याज पे पैसा देते लेते होंगे, आपको पता तो होगा, फिर व्याज का व्याज, चक्रवृद्धि व्याज, चक्रवृद्धि व्याज, वो डबल ट्रिपल होकर बनते जाता है। इसलिए यदि पाप किया है और पाप और प्रायश्चित करने में जितनी देरी करेंगे वो बढ़ता जाएगा, तुरंत प्राय, और इस जन्म में नहीं किया तो मरने के बाद करोड़ों गुना भुगतना पड़े। सीधी सी बात है, आप किसी ट्रेन से जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं, वो टिकट 5-10 बाट की होगी, ओके, 5-10 बाट की टिकट आपने नहीं ली और किसी पुलिस ने पकड़ा तो सीधी 100 बाट या 1000 बाट आपको दंड दे देंगे। सीधी बात है ना, आप उस समय ये नहीं कह सकते अरे मैंने तो 5-10 बाट की टिकट नहीं ली, ये लो 10 बाट, नहीं चलेगा। वो आपको पहले बुद्धि होनी चाहिए थी, अब आप दंडी हो, अपराधी हो, अब वो हजारों गुना भुगतना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार पाप हो गया है, जितना जल्दी प्रायश्चित करेंगे सस्ते में पड़ जाएगा, और जितना देरी होता जाएगा उतना वो बढ़ता जाएगा। और सुखदेव जी अलर्ट कर रहे हैं कि यतेत मृत्यु, मृत्यु आने से पहले प्रायश्चित कर लो, क्योंकि मृत्यु के बाद फिर वह दंड के रूप में हजारों गुना बढ़ जाएगा। और केवल मृत्यु ही नहीं, विपद आत्मना, शरीर में कोई रोग आ जाए, कोई विपत्ति या बुढ़ापा आ जाए, उसके पहले करो। कई बार कुछ लोग भजन करते हैं ना तो कहते हैं अरे अभी क्या, बूढ़े होंगे तब करेंगे। सुखदेव जी उन लोगों को कह रहे हैं, कभी कभी बच्चे भजन करते भक्ति करते तो कहते हैं ये क्या खेलने कूदने की उम्र है, बूढ़े होने के बाद भजन करो, भगवान के नाम का जाप करो। बूढ़े होने के बाद आदमी अपनी शक्ति से टॉयलेट नहीं जा सकता, वो जप माला क्या खाक करेगा, प्रायश्चित क्या करेगा।
बूढ़ा अपना काम ही नहीं कर सकता है तो अपने प्रायश्चित पापों का उद्धार कैसे करेगा। इसलिए बुढ़ापा आने से पहले जब तक हम स्वस्थ हैं प्रायश्चित कर लेना चाहिए। प्रायश्चित का अर्थ है पश्चाताप। पश्य माने बाद में, ताप माने जलना। कोई गलत काम हो गया, कोई गलत आचरण हो गया और जब पता चले तो उसे याद कर कर के हमारा मन जले, दिल जले और कुछ हम हमारे शरीर को जानबूझ के जलाए, तप कराए। जैसे आज मेरी एकादशी कुछ अन्न खा लिया तो अगली एकादशी निर्जला करूंगा अपने आप। ऐसे पश्चाताप, गलत काम होने के बाद अपनी स्वेच्छा से अपने आप, ये पश्चाताप, ये प्रायश्चित है। जैसे आपने जीवन में पाप किए हैं और उस पाप को धोने के लिए यहां से भारत की टिकट लिए, टिकट लेकर गंगा गए, हरिद्वार गए और गंगा में स्नान किए, हो गया प्रायश्चित। तीर्थाटन किया, हो गया प्रायश्चित। ये सब प्रायश्चित है। मनु संहिता में मनु महाराज ने प्रायश्चित की विधि बड़े विस्तार से लिखी है कि ये पाप किया है तो ये प्रायश्चित किया। तो सुखदेव गोस्वामी ने बड़े सीधे सरल बात में बता दिया कि यदि कोई प्रायश्चित कर लेता है तो वो पापों से मुक्त हो सकता है। तो आपको भी समझ में आ गया कि पाप से मुक्त होना है तो प्रायश्चित करना चाहिए। जब इस प्रकार से जवाब दिया ना, परीक्षित ने हाथ ऊपर किया, महाराज सुखदेव जी प्रवचन आपका बढ़िया है लेकिन पल्ले नहीं पड़ रहा है। आपने कहा कि प्रायश्चित करने से व्यक्ति पापों से मुक्त होगा तो मेरी, मुझे क्षमा करेंगे लेकिन मेरी दृष्टि से ये प्रायश्चित की जो विधि है मुझे ठीक नहीं लग रही। भागवत में लिखा राजो उवाच, परीक्षित बीच में ही बोल दिए। परीक्षित महाराज कहते हैं दृष्ट श्रुताभ्याम यत पापम जानन अपि आत्मनोहितम करोति भूयो विवश प्रायश्चितम अथो कथम। सुखदेव जी मैं जानता हूं कुछ लोग देखकर पाप, वाणी से पाप करते हैं, मन से पाप करते हैं, इंद्रियों से पाप करते हैं और पाप करने के बाद ज्ञान होता है वो प्रायश्चित भी करते हैं लेकिन प्रायश्चित करने के बाद फिर से पाप कर बैठते हैं, इसका क्या किया जाए। जैसे पतिया में बहुत पाप किया, फिर समर वेकेशन में छुट्टी लेकर भारत चले गए और हरिद्वार जाकर गंगा में स्नान किए और गंगा में स्नान करके सारे पापों को धो दिए, संकल्प करके आए कि आज के बाद न शराब पिएंगे, न सिगरेट पिएंगे, न पाप करेंगे, प्रायश्चित हो गया। लेकिन जैसे ही थाई एयरवेज पकड़कर सीधे बैंकॉक उतरकर फतिया पहुंचते हैं, जो पाप पहले कर रहे थे वही पाप फिर से शुरू कर देते हैं। ये तो क्या हुआ, मक्का गए, मदीना गए, बन के आए हाजी, पहली आदत नहीं छुटी तो वही पाजी के पाजी है भाई। अब जब पाप करना ही था तो ये सब प्रायश्चित का क्या लाभ। परीक्षित महाराज ने कहा कि कश्चित निवर्तते भद्रात कश्चित चरति ततः पुनः प्रायश्चितम अथो पार्थम मनीय कुंजर शोचवत। सुखदेव जी ये प्रायश्चित मुझे हाथी के स्नान जैसे लगती है। हाथी को नहाते हुए देखा, मैं धर्मराज प्रभु के घर पर रुका हूं, आज मैंने देखा कि वो जो गीजर है उस पर हाथी का लोगो है। मैं बोला बिल्कुल सही जगह पर लगाया है और हाथी स्नान कर रहा है। हाथी का स्नान बड़ा फेमस है और थाईलैंड में तो हाथी के दर्शन होते रहते हैं, लोगों में शायद हाथी का फोटो है ना। तो हाथी जब स्नान करता है तो घंटों भर जल में स्नान करता है और भगवान ने कैसा रूप दिया कि अपनी सूंड में पानी उठाता है और शवर तो बस उसके पास अपना, अपने बाप का ही होता है, ऐसे उठा कर ऐसे अपने पर शवर करता है। तो हाथी स्नान करता है, 2-3 घंटे तक नदी में स्नान करता है
और जैसे ही स्नान करके हाथी बाहर निकलता है तो सरोवर के किनारे जो रज मिट्टी होती है उसे उठाकर अपने शरीर को बिगाड़ देता है। अब जब अपने शरीर को बिगाड़ना ही था है? तो फिर 3 घंटा स्नान करने का क्या लाभ है? समझ में आ रहा है ना आपको? अब जब फिर से पतिया आकर पाप करना ही है तो ये गोकुल मथुरा वृंदावन जाने से क्या लाभ है? ये गंगा जाना, यमुना नहाना, ये प्रायश्चित करने से क्या लाभ है? सुखदेव जी, ये प्रायश्चित की विधि वैसे ठीक ठाक है, लेकिन प्रायश्चित करने से व्यक्ति का पाप तो खत्म हो जाता है, लेकिन पाप करने की जो वृत्ति है, पाप करने की जो इच्छा, जो वासना है, वो खत्म नहीं होती है। कोई ऐसा उपाय बताओ ताकि जीव का पाप भी खत्म हो जाए और पाप करने की जो इच्छा है वो भी खत्म, क्योंकि जब तक इच्छा होगी आदमी वापस आकर पाप करेगा। चलो कुछ दिन पाप नहीं किया लेकिन अनुकूल वातावरण आएगा, कोई ऐसा समय आएगा वो पाप कर बैठेगा क्योंकि इच्छा पड़ी है। प्रभु कोई ऐसी चीज बताइए जैसी इच्छा भी खत्म हो जाए, पाप भी खत्म हो जाए। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, परीक्षित मैं तो परीक्षा ले रहा था तुम्हारी कि छोटी चीज देकर शायद मान जाए, लेकिन तुम बड़े बुद्धिमान हो। और निश्चित प्रायश्चित की विधि जो है वो पूर्ण नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें प्रायश्चित से भी एक पापों से मुक्त होने की, नरक में जाने से बचने की श्रेष्ठ विधि बताऊंगा, लेकिन कल सुबह 8 बजे। हरे कृष्णा। चिंता मत करो, बताएंगे, लेकिन ठीक 20 घंटों के बाद। हरे कृष्णा। तब तक हमारे बीच में मायापुर से सुंदर हमारे प्रभु जी माता जी आए हैं, कीर्तन करेंगे और कीर्तन का हम सब लाभ लेंगे और आनंद। अब देखिए यहाँ पर धर्मराज प्रभु की बड़ी कृपा हुई है, यहाँ पर एक मेला लग चुका है, 3 टाइम प्रसाद, 3 टाइम कीर्तन, कथा, बस आनंद ही आनंद करना है। आप लोगों के मन में, ये तो नरक की बात हो रही है, लेकिन आपके मन में हो कि वैकुंठ गोलोक वृंदावन भगवान के धाम में यदि हम जाएंगे तो वहां क्या होगा? वहां कुछ नहीं, ये जो 5 दिन हो रहा है ना यही होगा वहां पर। पहले तो वहां जॉब नहीं होगी, वहां कोई नौकरी नहीं होगी, वहां खाओ पियो नाचो कीर्तन करो प्रवचन सुनो ड्रामा देखो लीला देखो दर्शन करो, बस यही होता है। तो ये करो और अपने जीवन को धन्य। मैं धन्यवाद करता हूँ आप सभी भक्तों का, कीमती समय निकाल कर आए, लेकिन हर बार लोग बढ़ने चाहिए, घट क्यों रहे हैं? तो आप सभी भक्तों से निवेदन है, भगवान ने 2-2 हाथ दिए हैं, कल 2 नए लोगों को लेकर आए और प्रसाद तो बन ही रहा है, ये लोग डबल ट्रिपल बनाएंगे, चिंता मत करो।